क्या बेम्बू प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है? बेम्बू एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है या नहीं? बेम्बू को डीकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेम्बू रिप्लेस कर सकता है? हाय, आई एम अनुज रमात्री और आज मैं आपको बताऊंगा कि बेम्बू हमारे प्लेनेट को कैसे बचा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, बिकॉज आपका हर शेयर एनवायरमेंट को सेव करने में हेल्प करेगा। बेम्बू हमारे प्लेनेट का सबसे ज्यादा तेज ग्रो होने वाला प्लांट है। बेम्बू की कुछ स्पेशीज एक दिन में 3 फीट तक ग्रो हो सकती हैं। काफी लोगों को नहीं पता, पर बेम्बू एनवायरनमेंट में 35% ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है इन कंपैरिजन टू इक्विवेलेंट स्टैंड ऑफ हार्डवुड ट्रीज। डू यू नो, बेम्बू को हार्वेस्ट 1 to 5 years में किया जा सकता है, जबकि हार्डवुड्स लाइक ओक को हार्वेस्ट करने की स्टेज तक पहुंचने में 40 years तक लग जाते हैं। नॉट ओनली दिस, ऐसा माना जाता है कि जो भी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, बेम्बू वहां पे भी ग्रो हो सकता है और सॉइल को भी रीजनरेट कर सकता है। सो अनडाउटेडली बेम्बू इज वन ऑफ द बेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब समझते हैं बेम्बू किस किस चीज को रिप्लेस कर सकता है। डिफॉरेस्टेशन आज वर्ल्ड की वन ऑफ द सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1 million acres ऑफ फॉरेस्ट हर वीक डिफॉरेस्टेशन के नाम पे डिस्ट्रॉय होता है, एंड बेम्बू डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस कर सकता है। कैसे? डिफॉरेस्टेशन का मेन रीजन हमारा वुड का यूज ही है, एंड बेम्बू वुड को ऑलमोस्ट हर जगह रिप्लेस कर सकता है। बेम्बू से पेपर, फर्नीचर, चारकोल, फ्लोरिंग एंड इवन बिल्डिंग मटेरियल तक रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज बेम्बू फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन वुड फाइबर्स। सो नेक्स्ट टाइम वुड का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले बेम्बू को एज एन ऑल्टरनेटिव जरूर ट्राई करें। बट व्हाट अबाउट प्लास्टिक? एक्चुअली बेम्बू को फुली डिकम्पोज होने में 3 months to few years लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, वेरस प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 to 1000 years तक लग जाते हैं। सो फॉर श्योर बेम्बू इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन प्लास्टिक। बट क्या बेम्बू प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है? वेल, आई वुड नॉट से रिप्लेस, बट बेम्बू प्लास्टिक यूज को काफी कम कर सकता है, और ऑलरेडी मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बेम्बू से बने हैं और प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं। टूथब्रश। मॉर्निंग में सबसे पहले वी यूज टूथब्रश विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ऑन एन एवरेज हम साल में 4 toothbrush यूज करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन टू 4, जस्ट थिंक हाउ मच काउंट इज दैट। ये सारा वेस्ट 500 years तक ऐसे ही रहने वाला है। शॉकिंग, isn't it? So please replace your plastic toothbrush with bamboo toothbrush immediately. Market में bamboo toothbrush easily मिल जाते हैं. This is the first thing we should do. Cutlery. We all know plastic disposables कितने ज़्यादा use होते हैं और इनका recycle होना is almost impossible. इसी वजह से अब bamboo के disposables बनाए गए हैं जो कुछ ही months में decompose हो जाते हैं. Straws. एक साल में 8.3 billion plastic straws यूज किए जाते हैं, जो oceans तक पहुंच जाते हैं और इसकी वजह से मरीन लाइफ सफर होती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अब बेम्बू स्ट्रॉज भी आ गए हैं, जो कुछ ही मंथ्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। और भी बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बेम्बू रिप्लेस कर रहा है, जैसे प्लास्टिक बॉटल की जगह बेम्बू बॉटल्स, प्लास्टिक टिफिन की जगह बेम्बू टिफिन, एंड इवन दिस बेम्बू स्पीकर। नॉट ओनली प्लास्टिक एंड वुड, बेम्बू से टिश्यूज भी बन सकते हैं। वर्ल्ड में एक दिन में हजारों ट्रीज सिर्फ टिश्यूज की वजह से कटते हैं, एंड वी कैन रिड्यूस दिस इमीडिएटली बाय यूजिंग बेम्बू टिश्यूज फ्रॉम नाउ। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रूव करते हैं कि बेम्बू कैन रिड्यूस द वेस्ट एंड कैन सेव अवर प्लेनेट। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर हम बेम्बू से बने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर दें तो कितना सारा वेस्ट कम हो जाएगा। सो लेट्स टेल मोर एंड मोर पीपल अबाउट इट एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट बेम्बू प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट मंडे।